आज हम पचमढ़ी के लिए निकल पड़े हैं। सभी सभी को हैप्पी जर्नी। दिख रहे हैं सभी? चलो भैया हाय कर दो। हाय सभी पचमढ़ी के लिए निकल पड़े हैं। हर हर महादेव। अच्छे से बैठना, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, है ना? गाड़ी रुक जाएगी कोई है? विंडो खोल के थोड़ा रखना, नहीं आप बता देना किसी को जरा सी भी दिक्कत हो। पिपरिया रोड पर चलते हुए अब हम पचमढ़ी रोड पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता बिखरी पड़ी है। इस प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए तो हमने यह शैक्षणिक भ्रमण का है। पल पल पर प्रकृति ने अपने अलग ही नज़ारे को दिखाया। भूख भी लग चुकी है, आप सभी को नाश्ता कराते हैं। नाश्ता नहीं कर रही हैं, इन लोगों ने गपा गप खाना चालू कर दिया है। चलो ठीक है सर, ये आ गए, सबने नाश्ता चालू कर दिया है। मैंने अभी नाश्ता चालू नहीं किया है, थोड़ी देर से करूंगा। जैसे जैसे पचमढ़ी की ओर बढ़ने लगे, यहाँ बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े रोड देखने मिले, साथ ही यहाँ पे जंगल भी घना होता जा रहा है। यहाँ तक कि इतने धूप के बावजूद भी यहाँ पे छाया है। यहाँ पे जंगली गिलहरी विशेष रूप से देखने मिलती है और मंकी। बाकी जानवर यहाँ देखने नहीं मिलते हैं, शिकारी जानवर यहाँ नहीं रहे, वो घने जंगलों में अंदर देखने मिलेंगे। सारे विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित हैं, यह है वातावरण। अंततः हम पचमढ़ी के प्रथम दर्शनीय स्थल अंबा माई मंदिर पर पहुंच गए हैं। अब हम थोड़ी देर यहां दर्शन करेंगे, इसके बाद फिर अगले पॉइंट के लिए निकलेंगे यहां से। माई के दर्शन के पश्चात अब हम रानी जी का महल देखेंगे। ये रानी का महल है। अब हम रानी के महल में एंटर करेंगे, देखते हैं पहले के राजा महाराजा कैसे महल बनाते थे। और ये
ये वो पॉइंट है जहाँ से किले का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, देखें एक बार। यही है वायसन लॉज व्याख्यान केंद्र। सभी बच्चों को डायरी और पेन प्राचार्य जी के द्वारा, हमारे प्राचार्य श्री पुरुषोत्तम जी पाल के द्वारा बच्चों को पेन वितरण की जा रही है। मैंने भी उनका डायरी वितरण में सहयोग किया। यहाँ बच्चों को प्रकृति के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ किस प्रकार की जैव विविधता है, किस प्रकार के जीव जंतुएँ हैं, किस प्रकार खाद्य श्रृंखला है। इसलिए इन बच्चों को ये डायरी दी जा रही है ताकि बच्चे इस डायरी में महत्वपूर्ण जानकारी को नोट कर लेंगे। किसी भी शैक्षणिक टूर का वास्तविक उद्देश्य भी वही होता है जहाँ बच्चे प्रकृति को नज़दीक से देखते हैं, खाद्य श्रृंखला को नज़दीक से देखते हैं, जानवरों के रेवलेशन जो उनके आवास हैं उनको बड़े नज़दीकी से देखते हैं। और पचमढ़ी में तो जैव विविधता बहुत अच्छे से देखने यहाँ मिलती है, समझ में भी आता है। यहाँ पर पक्षी, जानवर, वनस्पति, लगभग सभी की यहाँ पे वैरायटीज़ हैं। इसलिए पचमढ़ी ना सिर्फ एक दर्शनीय स्थल है बल्कि यह एक प्राकृतिक पर्यावरण आकर्षण का केंद्र भी है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। यह बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए सबसे अच्छा स्थान है। अब अपन अगले पड़ाव की तरफ निकलेंगे। अब अपन हो जाते ही सामने यहाँ के बंदर भी बड़े अद्भुत कारनामे करते हैं। आप देख ही सकते हैं ये कितना मस्तीखोर बंदर। कर लो एंट्री सभी। वायसन लॉज व्याख्यान केंद्र में बच्चों को जानवरों के प्राकृतिक आवास, उनका स्वभाव और उनकी बहुत सारी नस्लों को बताने के बाद अब हम बड़े महादेव की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से हम प्रकृति को और नज़दीक से देखेंगे। यहाँ पर प्रकृति की बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि पहाड़ों के बीच में से नदी का निकलना, पानी का आना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मन में कई सारे सवाल पैदा करती हैं। यहाँ का टेम्परेचर भी कम रहता है, यहाँ काफ़ी शुद्ध वायु है, यहाँ काफ़ी शांति है। हम सभी बड़े महादेव पहुँच चुके हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत, यहाँ पे आप प्रकृति को बड़े नज़दीक से फील कर सकते हैं। सभी पहुँच चुके हैं। ये बहुत बड़ी गुफा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है अंदर, और वहीं शंकर जी की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रकार का नज़ारा बहुत ही कम देखने मिल पाता है। बड़े महादेव दर्शन के पश्चात हमारी टीम अब गुप्त महादेव की तरफ बढ़ेगी। गुप्त महादेव में बड़ा सकरा रास्ता है, एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है। वहाँ दर्शन करने के पश्चात हम लोग आ गए हैं दर्शन करके। अब हम यहाँ थोड़ी देर स्वल्पाहार करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ा नाश्ता करेंगे और फिर हमारी अगली मंजिल होगी राजेंद्र गिरी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ घूमने के लिए। अब हम सभी बस में सवार होकर राजेंद्र गिरी के लिए निकलते हैं। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी, आप जो देख रहे हैं यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। हमें यह चोटी देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये राजेंद्र गिरी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी स्टैच्यू लगा। अच्छा अच्छा, स्टैच्यू लगी हुई है, देखो कितना सुंदर पार्क है। राजेंद्र बहुत
राजेंद्र गिरी बॉटनिकल गार्डन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। यह बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ विविधता से भरा हुआ है। बच्चे बहुत सारी जानकारी यहाँ से एकत्रित करके जाएंगे। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका बेसब्री से इंतजार स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात अब हमारा अगला पड़ाव होगा जटाशंकर महादेव। उसके बाद फिर जो हमारी टीम चाहेगी हम वही करेंगे। टीम की सहमति लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम आ चुके हैं पांडव केव्स। देखिए कितने कितने प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ऐसे ही थोड़ी पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी पचमढ़ी को धरती का स्वर्ग कहते हैं। जहाँ जहाँ इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स होंगे वह धरती का स्वर्ग होगा ही। वाओ, सो मैनी वेराइटीज ऑफ रोज। सतपुड़ा पचमढ़ी, द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। यस सर। पचमढ़ी द लवलीस्ट प्लेस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल विजिटिंग प्लेस एंड हिल स्टेशन ऑफ एमपी। यस। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, हम थक गए हैं। ऐसे घर बनते थे पहले, बड़ी मुश्किल से इनमें सोना हो पाता था, थोड़ा बहुत बैठना और सोना बचने के लिए। चलो अब हमारी टीम पूरी तरह थक चुकी है और अभी जटाशंकर हमें घूमना बाकी है। शाम भी होने वाली है। अगर इस पॉइंट को नहीं देखा तो समझ लो बहुत कुछ मिस कर दिया। प्रकृति की गोद में एक और रहस्यमय नज़ारा हम देखने जा रहे हैं। तेजी से हमारे साथियों को निर्देश दिया जा रहा है कि सांझ होने से पहले वह यहाँ से दर्शन कर वापस आ जाएं। अंधेरे में पहाड़ों पर चलना बहुत मुश्किल होता है, साथ ही सीढ़ियों पर पानी और थोड़ा थोड़ा रिसाव होने के कारण पैर स्लिप होने का भी खतरा बना रहता है। ये देखो, यह नज़ारा प्रकृति की गोद में बहुत ही अद्भुत है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। पहाड़ों के बीच से निकलती नदी, ठंडा पानी, अंधेरी गुफा। ये देखो पानी भरा हुआ है, ये गुफा के अंदर लटका हुआ एक पत्थर। ये जो पत्थर लटका हुआ है ना, ये इस पत्थर पर ग्रेविटी का प्रभाव होने के बावजूद भी यह बरसों से यहाँ लटका हुआ है।